सो व्यूअर्स गाइस कैसे सारे, आई होप आप लोग मस्त हो गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी खुद की वीडियो में अपने फेस को अच्छी तरीके से चिकना प्लस ग्लोइंग कैसे बना सकते हो। तो ये एक एडिटिंग का काम है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि यार अपने चैनल पे जो भी वीडियो आती है वो एडिटिंग से रिलेटेड आती है। तो गाइस यहाँ पे आप अपनी वीडियो में खुद के फेस को अच्छी तरीके से ग्लो कैसे कर सकते हो, क्योंकि यार जब तक आपका फेस अच्छा नहीं होगा आपकी वीडियो में कोई भी बंदा आपकी वीडियो को नहीं देखने वाला, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो भी, अगर आप एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हो तो भी। तो गाइस आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली, तो कैसे करना है क्या करना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। वीडियो को फुल वॉच करना तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन और सब लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, तो सिंपल से आपको करना है, यहां पे आपको अपने फोन में काइनमास्टर को सबसे पहले ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहां पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको एक वीडियो इंपोर्ट कर लेनी है, जिस वीडियो में आपको ग्लो देना है। तो यहां पे आप कोई भी रेशियो सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपके वीडियो का रेशियो हो। तो यहां पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यहां पे इंपोर्ट कर रखा है, अब मैं आपको इसमें ग्लो इफेक्ट लगा के दिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ पे आप इसके स्क्रीन पे देख सकते हो कोई भी ग्लो इफेक्ट नहीं है। मैं वीडियो प्ले करता हूँ, आप एक बार वीडियो देख लीजिए, कोई भी फेस पे ग्लो इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ग्लो इफेक्ट लगा के दिखाने वाला हूँ एकदम अच्छे तरीके से, जैसे कि आप पहले टिकटॉक पे देखते थे। अब यहाँ पे आपको करना क्या, सिंपल से यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको एफएक्स पे चले जाना है। एफएक्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये गेट मोड दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको ये ऑटो एचडीआर वाला जो है वो इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है, आपको मिल जाएगा। जब आप गेट मोर पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला इफेक्ट मिल जाएगा, तो आप इसे डाउनलोड कर लेना, आपका डाटा कनेक्शन ऑन रहना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो सिंपल से आपको करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको ऑटो एचडीआर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, इसको ऐसे कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन पे कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे इसका फेस आप देख लीजिए और यहाँ पे अब इसका फेस आप देख लीजिए, ग्लो आ चुका है फेस पे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक करके इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जितना ग्लो रखना है जितना कम रखना है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो आप। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे डिफरेंट भी देख सकते हो। ये है फेस जिस पे ग्लोइंग इफेक्ट नहीं है और ये है वो फेस जिस पे ग्लोइंग इफेक्ट है, जैसे कि आप टिकटॉक पे देखते थे। तो गाइस यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल से इस इफेक्ट को पूरे वीडियो में कर देना है, जिससे आपके पूरे वीडियो में जो है वो इफेक्ट आ जाए। अब यहाँ से आप सेटिंग से जाके जितना आप रखना चाहते हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। तो आपका वीडियो में जो है वो ग्लोइंग इफेक्ट लग चुका है, बस इतना सा काम करना है आपको कि आपको यहाँ पे जो इफेक्ट्स दिख रहा है, ये लेयर पे इफेक्ट्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे गेट मोर पे क्लिक करके ये ऑटो एचडीआर वाला इफेक्ट डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद बस इसको सिंपल से लेयर के थ्रू इंपोर्ट करके यहाँ पे अपनी वीडियोज़ में लगा देना है, आपके चेहरे पे ग्लोइंग इफेक्ट ऑलरेडी आ जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका चेहरा ग्लो करेगा, स्मूथ दिखेगा। तो गाइस बस वीडियो को करता हूँ यहीं पर समाप्त। तो बस यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके की वीडियो आगे फ्यूचर में आप देखना चाहते हो तो बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारा भाई डेली ऐसे ही फाड़ और तोड़ वीडियो लेकर आता रहता है। और हाँ, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल को जरूर से सेलेक्ट कर लें, क्योंकि यार आधे से ज़्यादा बंदे जो है वो बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल को नहीं सेलेक्ट करते, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती और वीडियो को वो मिस कर देते हैं। तो ऑल को जरूर से सेलेक्ट कर लें। मिलता हूँ ऐसी किसी फाड़ और तोड़ वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की।